हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं राजविंदर तुहाडा स्वागत करदी मेरे चैनल राजविंदर अग्गे। ते अज आपां बनावांगे गोभी दे पकौड़े। ते फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है, जे तुसीं पहली बार मेरे चैनल ते विजिट करदे, प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करा करो, शेयर करा करो, ते कमेंट करके दस्सा करो वीडियो चेक किदां दी लगी। फस्टली आपां पहलां जिहड़ी गोभी आ उहदे छोटे पीस करके आपां नूं बॉयल कर लिया आ। थोड़ा जिहा मैं इहदे विच लूण पानी दे विच लूण पाता सी तां कि इहदे विचों सारे कैमिकल जिहड़े उह मर जाण। उस तों बाद मैं 2 कप जिहड़ा इह बेसन लिया आ। तो बेसन में चंगी तरह छान लेना है। तो उस तो बाद पाया मैं यह अदरक पाउडर, मतलब कि अदरक का पेस्ट। तो उस तो बाद पाता ये सॉल्ट, तो धनिया पाउडर, जो जो तुम मसाले पाने। मैं थोड़ा जहा फूड कलर पाया क्योंकि हलवाइया के जो पकौड़े होंगे उन्होंने कलर पाया हों। तो थोड़ा जहा बेकिंग सोडा पाया, तो थोड़ा जहा जीरा। तो आप इन सारे मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करन तो बाद चंगी तरह आप जड़िया गर्स होंगे, मतलब कि गठा बनिया होंगे, वह सारिया आप तोड़ देने चंगी तरह। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पाते जाना। देखो जो आप फूड ने अपना कलर देना शुरू कर दिता है, तो एन इन चंगी तरह थोड़ा थोड़ा पानी पा के करना। तो पेस्ट आप थोड़ा एन नॉर्मल रखना है, इनू पतला नहीं करना, ना ही इन मोटा बना है। तुम्हें देखा हलवाइया के पकौड़े किदा के होंगे, सो आप वागू बना। तो थोड़ा थोड़ा पानी पा के आप सारे मिक्स करते जाना है। तो मिक्स जो थोड़ा बहुत नाइस होना चाहिए, उस कोई गंढ नहीं होनी चाहिए, सारे मसाले चंगी तरह घुले होने चाहिए। देखो हमें इदा का पेस्ट हो जाए थोड़ा। तो हम आप पा देना थोड़ा जहा धनिया। धनिया के नाल काफ़ी नाइस लगते हैं पकौड़े बने, तो स्वाद भी बहुत सोहना आता है। तो आप सारे मिक्स कर लिया। हूँ आप जी बॉयल की हुई आप गोभी आप देनी है। तो वो जे फुल आ फुल जिदा सारे गोभी कवर कर सॉरी बेसन के नाल कवर करके आप फ्राई कर लेना है। तो इन्हों फ्राई करके जिदा आम जिदा घर पकौड़े खाने दिल करता उदों भी तुम बना सकते। मैं जी गोभी ली है, मैं फ्रोजन गोभी ली है। तुम जी फ्रैश वन सियालों गोभियां की वह भी यूज कर सकते हैं। तो ब्याह शादियों के मोस्टली उ की जाती है। तो आप इन्हों देखो बेसन के चंगी तरह कवर करके आप इन्हों पा देना बच्चे एन जो तेल आन गर्म कर लेना। उस तो बाद ठंडा कर लेना थोड़ा, मतलब कि मीडियम फ्लेम पर रख लेना है। तो पकौड़े फ्राई होने छड़ देने हैं। तो 2 तो 3 मिनट तक इन्हों बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो इन्हों का देखो कलर चेंज हो पाया उदो तुम इन्हों की जी साइड आ दूसरी चेंज करनी है। तो जे तुम पकौड़े जिदा स्टोर करके रखने हैं, तो तुम इन्हों थोड़ा जहा पका के कच्चे कट के रख लेना है। उन्होंने कहें कच्चे करके पकौड़े रखना। तो जो भी थोड़े घर कोई जो गैसट आ जाते हैं, परौने आ जाते, कोई फैसटिवल आ जाता, उदो तुम क्ड के फ्राई कर सकते हैं। देखो पकौड़े ने अपना कलर चेंज कर लिया। हम आप इन्हों की साइड जी टर्न कर लेनी है। वीडियो लंबी ना हो सो मैं वीडियो कट दी है बिचों। जिदा तुम देखा सारे पता ही आप सारे घर बनाए हैं, तो मोस्टली जिदा सारे खाने काफ़ी शौकीन होंगे नमकीन है ना। तो देखो आने साइड जिदा जुड़ गया, फिर उन्होंने टर्न कर सकते। देखो पकौड़े अपने बन के रेडी आ। तो आप इन्हों सर्व कर दें। तो मैं इनू गार्लिक की चटनी के नाल किया है। वीडियो देखने थैंक यू। मिलते हैं किसी होर वीडियो ना। बाय।